दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सुपर संडे के दोहरे घमासान में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में थाला महेंद्र सिंह धोनी की पलटन ऑरेंज आर्मी हैदराबाद से दो दो हाथ करने के लिए कमर कस चुकी थी। इस दौरान इस रोमांचक मुकाबले का गवाह बनने के लिए पूरा क्रिकेट जगत पलके बिछाकर बैठा हुआ था। जब टॉस के लिए दोनों कप्तान एक दूसरे के आमने सामने आए तब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सिक्का सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले धोनी की पलटन को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। लेकिन इसका अंदाजा भी कमिंस को नहीं था कि यह उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर चेन्नई की तरफ से अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इनफॉर्म अजिंक्य रहाणे की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। दूसरे ओवर में ही कप्तान गायकवाड़ ने बेहतरीन चौके से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलानी चाहिए। तीसरे ओवर में स्विंकिंग भुवनेश्वर का स्वागत भी अजिंक्य रहाणे ने मैदान को चीरते हुए करारा चौका लगाकर किया। लेकिन भुवनेश्वर भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पांचवी गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भुवनेश्वर ने चेन्नई के घर में उन्हीं के फैंस को साइलेंट कर दिया था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में गदर मचाने के लिए डेरिल मिचेल आ चुके थे। हैदराबाद का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ उसने तो ऑरेंज आर्मी की बोलती ही बंद करके रख दी। एक तरफ से गायकवाड़ का बल्ला गरज रहा था। इस खिलाड़ी ने चौथे ओवर में ही शहबाज अहमद की कुटाई करते हुए एक के बाद एक दो बेहतरीन चौके लगाए तो फिर पांचवें ओवर में भुवनेश्वर को ही आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों ने तीन चौके की हैट्रिक बटोरकर पांच ओवर में 45 रन बना डाले। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 6 ओवर के पावर प्ले में चेन्नई की क्रिकेट टीम 50 रनों का आंकड़ा छू चुकी थी। वन मैन आर्मी की तरह ऋतुराज अकेले ही हैदराबाद के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से मैच का ऐसा पासा पलटा कि हैदराबाद का कोई भी प्लान काम नहीं आया। यहां तक कि 9वें ओवर में जब खुद गेंदबाजी में मोर्चा संभालते कप्तान पैट कमिंस आए, उनका स्वागत भी डेरिल मिचेल ने स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में गेंद को छक्के के लिए मारकर किया, तो ओवर की आखिरी गेंद को भी गायकवाड़ ने छक्के के लिए डिपॉजिट कर हैदराबाद की टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। देखते ही देखते इसी के साथ कप्तान ऋतुराज ने केवल 27 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक डाला था। 10 ओवर में उन्होंने चेन्नई को 92 रनों तक पहुंचाया तो 11वें ओवर में डेरिल मिचेल ने चौका जड़कर चेन्नई को 100 रनों के स्कोर के पार पहुंचाया। उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे कोई भी प्लान कमिंस का काम नहीं कर रहा था। हैदराबाद के खेमे में तो मातम का माहौल था। 13वें ओवर में एक बार फिर कमिंस को आड़े हाथों लेते हुए डेरिल मिचेल ने गोली की रफ्तार में एक और चौका लगाया और इसी के साथ अपना खतरनाक अर्धशतक केवल 30 गेंद में पूरा कर चेन्नई के फैंस की खुशियां दोगुनी कर दी थी। इसी के साथ इन दोनों खिलाड़ियों के 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी हो चुकी थी जिसने हैदराबाद के पसीने छुड़ाकर रख दिए। ऐसा लगा था चेन्नई आसानी से 250 रन भी बना लेगी। लेकिन तभी होता है दोस्तों एक बहुत बड़ा चमत्कार। 14वां ओवर लेकर आए अनाथकट ने अपनी खतरनाक गेंद के सामने डेरिल मिचेल को घुटने पर ला दिया। 32 गेंद पर यह खूंखार खिलाड़ी 7 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 52 रन बनाकर वापस लौटा और उनके विकेट ने तो इस मैच का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। हालांकि ऋतुराज को रोक पाना अभी भी हैदराबाद के बस की बात नहीं हो पा रही थी। विकेट चटकाने वाले उनादकट को ही आड़े हाथों लेते हुए अगली ही गेंद पर ऋतुराज ने एक तूफानी छक्का लगाकर अपने तेवर हैदराबाद को दिखा दिए। अब उनका साथ निभाने के लिए छक्कों के साथ शिवम दुबे मैदान में मोर्चा संभालने आ चुके थे। दूसरी तरफ ऋतुराज चौके छक्कों की आंधी लाते हुए अपने शतक की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। 16वें ओवर में कमिंस को बैक टू बैक दो घातक चौके लगाकर उन्होंने चेन्नई को न केवल 150 रनों के पार पहुंचाया बल्कि 16 ओवर में ही 159 रनों तक पहुंचा दिया। अभी भी चेन्नई का पलड़ा पूरी तरीके से हावी था। यहां तक कि शिवम दुबे ने भी आते ही अपने अंदाज के अनुसार सीधा छक्कों से डील करना शुरू कर दिया। 17वें ओवर में नटराजन की धज्जियां उड़ाते हुए शिवम दुबे ने एक के बाद एक दो तूफानी छक्के ठोक दिए। हालांकि दोस्तों, पारी के आखिरी ओवर में ऋतुराज अपने शतक के बेहद करीब पहुंचकर हार मान बैठे और 54 गेंद पर 10 चौके की तीन तूफानी छक्कों की बदौलत 98 रन बनाकर उनका शिकार नटराजन ने कर लिया। लेकिन दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे थाला महेंद्र सिंह धोनी ने पहली गेंद पर मैदान को चीरते हुए जबरदस्त चौका लगाया तो पांचवी गेंद को शिवम दुबे ने बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर 20 ओवर में चेन्नई को 212 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां धोनी दो गेंद पर 5 रन बनाकर नाबाद रहे तो शिवम दुबे दो गेंद पर 4 छक्के और 1 चौके की बदौलत 39 रनों का योगदान दिया।
अब इस विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी हैदराबाद के तूफानी बल्लेबाजों पर आन पड़ी थी। हैदराबाद में दमखम था कि इसे 18-19 ओवर में ही हासिल कर दिखाया और उन्होंने शुरुआत भी ऐसे की थी। हैदराबाद की तरफ से मैदान में तहलका मचाने आए ट्रेविस हेड ने पहली गेंद पर दीपक चहर का स्वागत चौका लगाकर किया, तो दूसरे ओवर की पहली गेंद पर तूफानी छक्के से तुषार देशपांडे का भी स्वागत अपने खूंखार अंदाज में कर अपनी टीम की खतरनाक शुरुआत की थी। तो वहीं तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और तूफानी छक्का लगाया और अपने तेवर चेन्नई को दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हुआ उसे तो कभी कोई नहीं भूल पाएगा। फिर चेन्नई के गेंदबाज खासतौर पर तुषार देशपांडे ने काव्या मरण के हैदराबाद को ऐसे करारे जख्म दिए जिन्हें भर पाना उनके लिए शायद पॉसिबल ना हो पाए। जी हां, पांचवी गेंद पर अपना बदला चुकाते हुए तुषार देशपांडे ने ट्रेविस हेड का शिकार कर हैदराबाद को पहला झटका दिया, जहां हेड 7 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की बदौलत 13 रन बनाकर वापस लौट गए। तो अंतिम गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे अनमोल प्रीत सिंह को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर तुषार देशपांडे ने हैदराबाद को नेस्तनाबूद कर दिया। अब एडन मार्करम मैदान पर अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए आए थे। उन्होंने आते ही तीसरे ओवर में दीपक चहर का स्वागत 2 बेहतरीन चौके लगाकर किया। ऐसा लगा कि वो अपनी टीम को संभाल लेंगे। 3 ओवर में हैदराबाद 33 रन बना चुकी थी, लेकिन तभी चौथा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने एक बार फिर अभिषेक शर्मा का शिकार कर हैदराबाद की कमर ही तोड़ दी, जहां अभिषेक 9 गेंद पर 15 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और 4 ओवर में ही 42 रन बनाकर हैदराबाद ने अपने 3 सबसे बड़े बल्लेबाजों को गवा दिया था। अब मैदान पर मार्करम के साथ नीतीश रेड्डी चेन्नई के पसीने छुड़ाने के लिए कदम रख चुके थे। हैदराबाद मुश्किल में फंसी हुई थी, लेकिन मार्करम को उससे कहां फर्क पड़ता है। पावर प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने मुस्तफिजुर का स्वागत ही गोली की तरह एक खतरनाक चौके से किया, अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचाया। 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद ने 53 रन बना लिए थे। अभी भी उन्हें जीत के लिए अंतिम 84 गेंद पर 160 रनों की जरूरत थी, जो चेन्नई के गेंदबाजों के सामने आसान तो बिल्कुल नहीं था। और दोस्तों ऐसा ही हमें देखने को मिला। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कंप्यूटर से भी तेज दिमाग से हैदराबाद के बल्लेबाजों के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बुना कि उनके सामने पूरा का पूरा उनका बल्लेबाजी क्रम इतिहास के पत्तों की तरह ढह गया। नीतीश रेड्डी केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो एडम मार्करम भी 26 गेंद में केवल 32 रन बना पाए। यहां तक कि हेनरी क्लासेन 20 और अब्दुल समद भी केवल 19 रनों का योगदान दे पाए और 119 रनों पर ही हैदराबाद ने अपने 7 बल्लेबाज गवा दिए। उनके हार तो यहीं से सुनिश्चित हो गई और 124 रन ही बने थे। पैट कमिंग्स भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और देखते ही देखते केवल 134 रन बनाकर हैदराबाद 18.5 ओवर में चेन्नई के सामने घुटनों पर आ गई और 78 रनों से चेन्नई की क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर पूरे क्रिकेट जगत में बवाल ही मचा दिया, जो इस आईपीएल की सबसे बड़ी जीत भी थी, जहां तुषार देशपांडे ने चेन्नई के लिए सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। बावजूद उसके ऋतुराज को उनकी बेमिसाल पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया और पॉइंट्स टेबल में चेन्नई ने सबसे लंबी छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर कब्जा जमाया और एक बार फिर छठवीं आईपीएल ट्रॉफी की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया।